हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस नई और फ्रेश वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ऑटो पायलट के बारे में। दोस्तों, आज बहुत सारे प्लेन के अंदर ऑटो पायलट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर पायलट अब सारा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखते, वो ऑटो पायलट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इंजीनियर हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑटो पायलट किस लिए काम करते हैं और कौन से प्रिंसिपल पर ऑटो पायलट वर्क करता है। एक्चुअली ऑटो पायलट जो वर्क करता है वो दो कंसेप्ट पर वर्क करता है, या तो फिक्स डायरेक्शन हो या फिर फिक्स हाइट हो, या फिर दोनों हो सकते हैं। एक्चुअली जब पायलट प्लेन को चला रहा होता है, और अगर यूँ ही हो कि भाई एक डायरेक्शन में हमें प्लेन को चलाना है, एग्जांपल के हमें 20 डिग्री नॉर्थ पे प्लेन को चलाना है, तो उस टाइम पे पायलट 20 डिग्री नॉर्थ सेट कर लेगा अपने कंप्यूटर में, जो कि इनपुट दे देगा ऑटो पायलट के माइक्रो कंट्रोलर यूनिट के अंदर। जैसे ही कंट्रोलर पे इनपुट चला जाता है कि हमें 20 डिग्री नॉर्थ पे प्लेन को ड्राइव करना है, तो वो प्लेन फिक्स 20 डिग्री नॉर्थ पे ही हमेशा की है और सीधा चलता रहेगा। फिर जब पायलट को उसको कंट्रोल चेंज करना हो, तो फिर वो दूसरे उसमें गाइडेंस दे सकता है, दूसरे इनपुट वो दे सकता है। अब अगर पायलट चाहता है कि 20 डिग्री नॉर्थ पे चले और साथ साथ में वो ज़मीन से कुछ डिस्टेंस भी हाइट मेंटेन रखे, तो वो हाइट भी वो पायलट फिक्स कर सकता है और इसके हिसाब से प्लेन आगे की ओर वर्क कर सकता है। तो ऑटो पायलट होता है, उसमें हम या तो फिक्स डायरेक्शन भी रखते हैं और साथ साथ में फिक्स हाइट रखते हैं। तो आपके पास ऑटो पायलट के अंदर दो चीज होना जरूरी है, फिक्स डायरेक्शन और फिक्स हाइट। अब आपके सामने ये जो चार्ट आ रहा है, उसको समझने से पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। समझ लीजिए कि पायलट ने सेट कर लिया कि हमें कुछ एक फिक्स हाइट पे प्लेन को ड्राइव करना है, प्लेन को कंटिन्यूसली चलाना है। अब ऑटो पायलट क्या करेगा कि जो आपकी विंग्स होती है उसके नीचे कुछ थिन प्लेट लगी हुई होती है, जो कि प्लेन के डायरेक्शन को या हाइट को कंट्रोल करती है। अब वहाँ पे सर्वो मोटर लगी हुई होती है और कुछ सेंसर लगे हुए होते हैं। सर्वो मोटर आप सबको पता होगा कि वो कुछ मूवमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है, मूवमेंट करना हो तो सर्वो मोटर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तब क्या होता है कि कुछ सेंसर लगे हुए होते हैं और हमने इनपुट दे दिया कि हमें कुछ फिक्स एक्स समझ लीजिए कोई हाइट है, उसको हमें मेंटेन रखना है। हमने ये इनपुट दे दिया ऑटो पायलट कंप्यूटर को। अब ऑटो पायलट कंप्यूटर क्या करेगा कि सर्वो मोटर को ये बताएगा कि हमें इस हाइट तक ही प्लेन को ऊपर रखना है और उससे नीचे उसको जाने नहीं देना या उससे ऊपर भी नहीं जाने देना। तो जो विंग्स होती है उसकी वो फिक्स पोजीशन सेट करनी पड़ती है। जब वो विंग्स की फिक्स पोजीशन सेट हो जाती है, तभी वो प्लेन एक फिक्स हाइट में रह सकता है। अब उसकी पोजीशन को जज करने के लिए हम वहाँ पे एक सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वो विंग्स अपनी पोजीशन को चेंज करता है, सेंसर पे वो इनपुट देता है कि विंग्स अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो फिर ऑटो पायलट क्या करेगा कि सर्वो को एक मैसेज सेंड करता है, सर्वो मोटर्स को, कि भाई तुम अपने जो मोटर है उसकी मूवमेंट को लाओ और विंग्स को स्टेशनरी कर दो, इक्विलिब्रियम में ले आओ। तो इस टाइप से ये फ्लो चार्ट वर्क करता है। इस टाइप से वो सेंसर और सर्वो मोटर आपस में वर्क करती है। तो यही फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ, इनपुट फ्रॉम सेंसर। सेंसर से इनपुट क्या होगा कि जैसे ही विंग्स अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो सेंसर होगा वो इनपुट, सेंसर को इनपुट मिलेगा। क्या इनपुट मिलेगा कि विंग्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। फिर वो सेंसर उस मैसेज को कहाँ भेजेगा, ऑटो पायलट कंप्यूटर के पास। ऑटो पायलट कंप्यूटर फिर सर्वो मोटर को ये बोलेगा कि तुम अपनी मोटर के अंदर कुछ मूवमेंट लाओ और विंग्स को एक जगह स्टेबलाइज कर दो, विंग को इस इक्विलिब्रियम में ले आओ। सर्वो फिर वो कंट्रोल करेगा और बाद में एयरक्राफ्ट का मोशन आगे की ओर बढ़ेगा। अब एयरक्राफ्ट के नीचे से एक दूसरी यहाँ जब मैंने लाइन की है, जिसका नाम मैंने बोला है फीडबैक। अब जैसे एयरक्राफ्ट की स्पीड में कुछ वेरी हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो एयरक्राफ्ट के मोशन से ऑटो पायलट कंप्यूटर को फिर से ये फीडबैक मिलता है कि ये मैंने गलती पहले हो चुकी है, तो उसके लिए वो आगे की ओर उसके फीडबैक को इम्प्रूव कर लेता है और से जो फ्लाइट होती है उसको स्मूथ वे में आगे की ओर ले जाता है। तो इस टाइप से ऑटो पायलट वर्क करता है। ऑटो पायलट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। एग्जांपल ले लीजिए कि जो सर्वो मोटर का आपका कनेक्शन कभी टूट जाता है, क्योंकि प्लेन है एक मैकेनिकल डिवाइस है, कभी उसका कनेक्शन टूट जाए या उसमें कुछ खराबी आ जाए, तो हो सकता है कि वो प्लेन के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। कभी कभी सर्वो मोटर के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी सर्वो मोटर में प्रॉब्लम आ जाती है, सेंसर के प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है ऑटो पायलट के अंदर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से टैकल कर लेते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये आपके ऑटो पायलट के ऊपर इस शॉर्ट वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपका इसमें अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं ऑटो पायलट पे आगे की वीडियोस भी बनाऊंगा और साथ में सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो का लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो।
तो हो सके उस कमेंट्स पे हम संडे को एक वीडियो बनाए उस सारे कमेंट्स बॉक्स के ऊपर। और अभी तक हमारे चैनल पे नए आ गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप सारी देख सको। और वो सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ में आप जरूर हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करना जहाँ पे आपको फेसबुक गूगल प्लस इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सारी अपडेट आपको पहले मिलेगी और साथ में कुछ क्वेश्चन डिस्कशन भी वहाँ पे हो सकता है। और आप बहुत सारी जो वीडियोस की लिंक है, कुछ अच्छे स्टफ है ऑनलाइन जिसको आप खरीद के अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो इंजीनियरिंग के, उनकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।